बीपी की प्रॉब्लम है, उनको 60 वैसे तो कम लेना चाहिए, बट सेंधा नमक इज बेस्ट किसी भी प्रॉब्लम के लिए। आप घर पे अपने सेंधा नमक यूज कीजिए, ये रिसर्च चल रही है कि ये 60 जो है ये बेस्ट है। और नेक्स्ट जो है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत होती है इस एज में सबको। जिनको भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, मेन कारण वायु है, क्योंकि एज बढ़ने के साथ वायु बढ़ जाती है। फिर डिफरेंट डिफरेंट फॉरगेटिव लोग ट्राई करते हैं कि मैंने नित्यम ले लिया, मैंने कहीं और कायम चूर्ण ले लिया। बिना किसी डॉक्टर की सजेशन के ऐसे चूर्ण मत लीजिए, इंटेस्टाइन भी अंदर डैमेज होने शुरू हो जाती है। मतलब आप एक के बाद एक स्ट्रांग फॉरगेटिव लोगे, उससे बेसिकली है कि डाइजेशन वीक है, डाइजेशन नहीं हो रही है, तभी आपका स्टूल पास नहीं हो रहा। आपको इम्प्रूव करना है उसको। अपनी डाइट में से ऑयल या घी बिल्कुल मत निकालिए इस एज में, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वायु को कंट्रोल करने के लिए ऑयलीनेस बॉडी में चाहिए। अगर आप जैसे कि यंग जनरेशन आजकल करती है कि मैं खाली फ्रूट्स ले रहा हूँ, मैं खाली सैलड दे रहा हूँ, मैं कोई ऑयली ब्लडनेस नहीं ले रहा ताकि मैं वेट लूज़ करूँ, अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो ये ब्लंडर मिस्टेक है अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। तो इसलिए अपनी डाइट में मिनिमम देसी घी, तिल का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, ये चीज़ें कुछ मात्रा में रहने दीजिए। कम डालिए बट ये यूज़ कीजिए आपके चलिए, रिफाइंड मत यूज़ कीजिए, वो शायद सबको पता ही है। और ऑलिव ऑयल का भी एक ऑप्शन आता है जो सिंपल पोमेस ऑलिव ऑयल वगैरह है, इट्स नॉट हेल्दी। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इज़ ओके अगर आप अफोर्ड करते हैं, अदरवाइज जो मैंने 4 बताए हैं उनमें से कोई भी आप कभी कभी यूज़ कर सकते हैं। तेल बहुत अच्छे हैं इस एज के लिए, वही क्योंकि ऑयली भी है, कैल्शियम भी बहुत है उसमें और वायु शामक भी है। एक रागी का आटा, जिनको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, इसमें नेचुरल कैल्शियम होता है बहुत ज़्यादा, तो अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए इसको। जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, वो जौ का आटा या जौ का दलिया अपनी डाइट में डालिए, ताकि आपका उससे रफेज बढ़ जाती है, पेट में फाइबर ज़्यादा जाता है, तभी पेट अच्छे से साफ होता है। कोई भी जूसेस मैं रिकमेंड नहीं कर रही आपको, अगर आप खा सकते हैं तो होल फ्रूट खाइए। जूसेस खाने पीने से भी पेट साफ नहीं होता, क्योंकि रफेज निकल जाती है सारे। और इसके अलावा जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, इस एज में कहीं खाना नहीं पचता और बहुत हैवीनेस रहती है बॉडी में, अपनी डाइट को कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम कीजिए और अपनी डाइट में अनार ऐड कीजिए। लंच से पहले डेली एक अनार खाइए आप, अगर आप चबा नहीं सकते तो उसको ग्राइंड करके और वो आप ले लो, बट अनार आप डेली एक खाइए। हार्ट पेशेंट्स के लिए अनार अमृत है, उससे आपकी ब्लॉकेज भी इवन खुलती है। बीपी के लिए अनार अमृत है, एसिडिटी के लिए अनार अमृत है। अगर आप मेरे से पूछें कि ये फ्रूट कौन सा है जो हमें खाना चाहिए, तो वो अनार है। और ऐसे ही अगर आप एक सब्जी पूछें तो वो परवल है। कितने लोग परवल खाते हैं? अमृत है ये पूरी बॉडी के लिए। अच्छा, तो इसको शुरू कीजिए खाना, ये बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू है इसकी। और ऐसे ही जितनी हमारी नेचुरल चीज़ें हैं जो पैक नहीं हैं, वो ज़्यादा हेल्दी हैं। नेचुरल फ्रूट्स, नेचुरल वेजिटेबल्स जो यहाँ के हैं, एग्जॉटिक फ्रूट्स नहीं। जितने भी कोल्ड स्टोरेज के प्रोडक्ट्स हैं, दे आर नॉट हेल्दी। सीजनल फ्रूट्स लीजिए और सीजनल वेजिटेबल्स लीजिए।